आकार का रियाज कैसे करें। हर व्यक्ति को जो शास्त्रीय संगीत में है या नहीं है या कोई और जॉनर भी सीख रहा है, उसे ये सवाल तो रहता ही रहता है कि आकार की ताने कैसे आ जाएं, गले में हरकतें मुर्कियां कैसे आ जाएं, बनिस्बत इस चीज़ पर फोकस करने कि भाव कैसे लाएं उस गायकी में। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वेरिएशन कैसे लें, लंबी लंबी ताने लें और ऐसी गायकी कर दें कि कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए और वाह वाह हो जाए। चमत्कारिक जो ढंग है वो हर कलाकार अपनी गायकी में चाहता है। मैं भी चाहता हूँ, है ना, कि उस वो दानेदार ताने आएँ, क्योंकि वो श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं आपके स्वरों के लिए, कि आपके स्वर खूबसूरत बनाएंगे अगर आप ऐसे ऑर्नामेंट्स उसमें लगा देते हैं। तो आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज कुछ और बातें कि आकार में क्या होनी चाहिए, कैसा मुँह होना चाहिए, कैसी आवाज़ का लगाव होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। आकार में आलाप भी मैंने लेके दिखाया, आकार में छोटा सा तान का स्वरूप भी मैंने आपको लेकर दिखाया। आलाप, तान, आकार में क्या फ़र्क है, इस पर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो वो पहले देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके सिर्फ एक्सरसाइजेस पे बात करना चाहता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है आकार के रियाज का, उस पर बात करना चाहता हूँ। छोटा सा जल्दी से रिकैप कर दूँ उस वीडियो का, तो आकार मतलब होता है मुँह की आकृति। जैसे अभी आपने देखा, अगर मैं करता हूँ ये, मैंने एक स्वर पे आलाप अंग में लगाया, तो कैसे लगाया, ए करके, आ करके नहीं, जैसे हे ये मैंने एकार में तान ली, और ये मैंने उकार में तान ली, फिर ये मैंने ईकार में तान ली। ये कब काम आता है, जब आप बोल आलाप या बोल तान लेते हो, यानी उन शब्दों का विस्तार आप स्वरों में तेजी या स्लोली करना चाहते हो, तो उन शब्दों की, उन वर्णों की आखिरी जो आस होती है, जो मात्रा होती है, उसमें आप उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आकार, आलाप और तान का फर्क, जो मैं पहले भी बता चुका था, छोटा सा रिकैप भी मैंने कर दिया। आज जो हम खास करके करने जा रहे हैं रियाज, वो है आकार का रियाज, जब वो दानेदार ताने आए। तो इसमें मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है जिसे हम कहते हैं खटका। जब हमारे गले में खटका आता है तो दाना, उसे ही दाना कहते हैं, कि वो दानेदार तान, वो खटका, वो झटका, वो स्ट्रोक आना चाहिए। जब आप आलाप गाते हैं तो आ, 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 एक तो ये तरीका है, और एक तरीका है। दोनों तरीकों में अगर गौर करेंगे तो आपको एक स्ट्रोक महसूस होगा सेकंड वाले में, वो कैसे लाना है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात शुरू होती है कंपन और आंदोलन से। कंपन यानी आवाज का कांपना, जैसे ये मेरी आवाज इसी स्वर पे कांप रही है। अब ये कांपना अगर नियमित और निरंतर हो जाए और एक ही स्वर पे हो जाए, तो वो प्रॉपर आंदोलन बन जाता है। जैसे स्वर सीधा नहीं है, ये नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है, आ आ आ आ बार बार नहीं बोल रहा हूँ, आकार एक ही है और हल्का सा उसके साथ एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, जो ये है। ये कंपन जब सुधरा हुआ हो, नियमित और निरंतर और एक ही सुर पे ढंग से हो, एक ही फ्रीक्वेंसी में हो, तो ये आंदोलन का रूप लेता है, और यही आंदोलन जब स्ट्रोक्स में जाता है और एक झटके में जाता है, तो खटके का रूप लेता है। कैसे
आप देखें ये झटका आप कैसे लाएंगे, तो इसकी एक छोटी सी फिजिकल एक्सरसाइज है और एक फिजिकल फिनोमिना है जो मैं आपको समझाऊंगा शारीरिक। जब आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, शारीरिक मूवमेंट होता है, तो आपका स्वर हिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब रियाज करेंगे तो भाई बैठ के सिद्ध साध के शरीर को फिर आप रियाज करेंगे, शरीर हिलेगा डुलेगा तो आपके स्वर भी हिलेंगे डुलेंगे, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें शरीर को हिलाना है और अपने कंट्रोल से हिलाना है, यानी आप हल्का सा ऐसा हाथ लेंगे और ऐसे स्ट्रोक करेंगे। और ये हाथ का नहीं, ये पूरा शोल्डर से स्ट्रोक आना चाहिए। जब शोल्डर से स्ट्रोक आता है तो ये छाती जो है आपकी हिलती है, कंपित होती है छाती, और जब छाती कंपित होती है साथ ही साथ आपका गला भी कंपित होता है, यानी वो स्वर स्ट्रोक में जाता है। यानी अगर मैं बोलूं और इसी को अगर ऐसे बोलूं तो आप देख रहे हैं मेरा स्वर हिला, मैंने कुछ नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ सा लगा के ऐसे किया, यानी आपको अपनी चेस्ट को झिझोड़ना है। अगर मैं आपको अभी कंधे से पकड़ूं या आप अपने आप को कंधे से पकड़ के ऐसे झिझोड़ेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? ये क्या हुआ, चेस्ट हिला, इंटरनली आपका गला भी हिला, शरीर हिला, तो स्वर में आप देख रहे हैं आंदोलन पैदा हुआ। स्थिर स्वर नहीं लगा पाएंगे आप ऐसे, ये मैं स्थिर लगा रहा हूँ सा, और अगर किसी ने आके मुझे ऐसे हिला दिया, अभी तो मैं खुद को ही ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरा ये चेस्ट पूरा हिल रहा है, यहाँ से लंग्स जो हैं, गला जो है, वो पूरी मसल्स बोन्स सब हिल रही हैं, तो आंदोलन पैदा हो रहा है। इस ही आंदोलन को हमें शेप में लाना है, एक ढंग में, एक फ्रीक्वेंसी में लाना है, यानी ये जो झटका है ये कंट्रोल्ड होना चाहिए, तब जाके आपके गले में वो झटका आता है जिसे दानेदार तान कहते हैं। वरना तान ये भी तान हो सकती है, बिना झटके की तान देख रहे हैं आप, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें दम इन द सेंस वो वाला दम नहीं, दम इन द सेंस फोर्स वाला दम, कि फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं, बिना फोर्स के लेकिन इसमें ही दम आ गया। तो इसे, इसी खटके को थोड़ा सा दम और थोड़ा झटके से दिया जाए तो इसे हम गमक कह देते हैं। ये कंपन से आंदोलन, आंदोलन से खटका, खटका से गमक तक बात पहुंची है। तो गमक कैसे आई, मैंने ये ऐसे हिलाया। तो ये एक एक्सरसाइज है जो हमारे पिताजी हमें कराया करते थे जब हम आकार का रियाज करते थे छोटे बच्चे, तो बोलते थे कि ऐसे हाथ हिलाओ, और ऐसे हाथ हिलाने का मतलब ऐसे नहीं, ये हाथ नहीं हिलाना है, शोल्डर से दम लगाना है ये, और ये दम लगाने का क्या मतलब, वो ये छाती जो है वो काम, जैसे अभी ये देखिए खुद मार के देखिएगा छाती पे तो कांपता है कि नहीं, यही कंपन हमें नियमित लाना है जैसे। और जब धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा तो आपको ढंग तरीका समझ आ जाएगा कि बिना हाथ पांव हिलाए भी ये झटका आ सकता है, कैसे अब अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रोक देते हैं हमारा स्वर चढ़ जाता है, यही हमें ख्याल रखना है कि स्ट्रोक देने जैसे तो क्या होता है, बाउंस करके वापस आता है, बाउंस करके ऐसे ऐसे, वो नहीं आना चाहिए, उसी पे स्ट्रोक होगा। बस इस चीज का अगर बैलेंस आ गया तो आपको खटका लगाना आ जाएगा और आकार की तान में सहूलियत मिलेगी, है ना। ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहा है, ये गमक या ये झटका बहुत बेसुरा हो रहा है, इसको बराबर मिलाना होगा। यहीं से दिया मैंने गले से, बिना हाथ पांव हिलाए। और इसको मैं फिर धीरे धीरे फिर इसका बैलेंस बदलने लगता है कि ये हल्का हो गया, सॉफ्ट भी हो गया। ये दमदार आ गया, अचानक से अंदर से लाउड हो गया, तो ये फिर इसमें वॉइस प्रोडक्शन भी आता है, इसमें वोकल डायनेमिक्स भी आते हैं, उनके एक्सरसाइजेस भी जो मैं अलग दे चुका हूँ, छः स्वर स्वर लगाने के छः तरीके बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप आवाज़ का दम बदल बदल के, तो यही काम यहाँ भी अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं आवाज़ के लगाव पे कि कितना मुँह खोलना होता है। अगर आकार का रियाज ऐसे करोगे सॉरी गो मो प तो भी गलत होगा, मुंह तो थोड़ा खोलना पड़ेगा। झटके के पहले
झटका लाने से पहले की आपकी जो पॉइंट है वो ये है कि आपका मुंह आकार में हो तो सही, अगर वो अकार में है या ऐकार में है, अगर आप गा रहे हैं तो ये तो ऐकार हो गया ना, गले में झटका तो आ जाएगा लेकिन ए में आ रहा है, आ में नहीं आ रहा है, है ना। तो मुंह का आकार का भी ख्याल रखना होगा कि कौन सा आकार है, अ आ ई ई उ ऊ, कौन सा मुंह बन रहा है आपका, ए बन रहा है, ए बन रहा है, ई बन रहा है, है ना। तो कोशिश करनी है कि वो आ बने, उसके बाद इसमें झटका है, पहले तो स्वर में ही करेंगे उस चीज को, सा रे ग म, फिर आ, ये प्लेन था, फिर आ, ये स्ट्रोक के साथ किया, ये स्ट्रोक लाने के लिए ऐसे करेंगे तो स्ट्रोक आएगा लेकिन स्वर में, है ना। अब सवाल ये सबसे बड़ा पैदा होगा कि साहब, जो अभी मेरे साथ भी हो रहा है, कि साहब अगर आप झटका दोगे तो बजाओगे कब, क्योंकि झटका तो एक ना एक हाथ से तो दो गई, तो हारमोनियम तो दोनों हाथ इस्तेमाल मांगता है, तो स्वाभाविक है ये चीज़ फिर आप या तो तानपुरे पर करोगे या किसी के साथ गा रहे होगे तब करोगे, खुद बजा के तो करने से रहे, है ना। और जब खुद बजाने की, और ये फिर मुश्किल आएगी ना कि भाई आपका स्वर भी नहीं लगता है और हारमोनियम भी नहीं बजा सकते हो और हाथ का झटका भी देना है तो क्या करें, है ना। तो इसके लिए ये ज़रूर कर सकते हो, तानपुरा लगा लिया, सा लगा लिया, सा तो पहचान ही जाओगे तानपुरे पर, और वो सा पहचान के सा पे स्ट्रोक करो, सा। इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज पहले भी दी है कि अलंकारों का रियाज सारे गम पद अनिसा से पहले आप उसको एक चौथाई लय में शुरू करो, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ये मैं एक चौथाई लय में गा रहा हूँ, यानी तीन तीन मात्राएं छोड़ते हुए, सा दो तीन चार रे दो तीन चार, तो इसमें गुंजाइश है कि आप वो झटके दे सकते हो। उसके बाद आ जाओ आप एक तिहाई पे, फिर हाफ पे और फिर ढा पे, जैसे सा रे हे ग म प, फिर आ जाओ सा रे हे ग म सारे गमा, ठीक है। तो ये झटका जो है आपका इस तरह से आ सकता है, ये हाथ के स्ट्रोक से, गले के कंपन से आ सकता है, और इस तरह से फिर आप आकार गा सकते हो। कुछ अलंकार हैं जिनका जिक्र मैं कर देता हूँ आखिर में। वैसे तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारे अलंकार दिए हैं, गमक के दिए हैं, खटके मुर्की के दिए हैं, हमारी किताब में भी उनका वर्णन है, लेकिन एक सरल सा एग्जांपल मैंने हमेशा दिया है कि भाई सात अलंकार तो सभी लोगों को आते हैं, सारे गम पद नि सा, सा रे ग म, सारे ग रे ग म ग म प, सारे गम रे ग म प ग म प द, सारे गम प रे ग म प द ग म प द नि, ये वाले तो सबको आते हैं, सात तक की जोड़ी बनाना। तो मेरे दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी से, जिनसे मैं अभी अपनी भेंडी बाजार घराने की गायकी थोड़ी बहुत सीखना मैंने शुरू करी है, तो भेंडी बाजार में ये एक बल पेंच का इस्तेमाल होता है, तो ये बल जो है छोटा सा इसी पलटे के, जो ये सात पलटे हैं इनको अगर पलट दो तो निकल के आता है, इनकी मिरर इमेज बना दो, यानी सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा की जगह इनका उल्टा गाओ, सारे ग का उल्टा ग रे सा, रे ग म का उल्टा म ग रे, तो उल्टा गाओ इन्हें, सारे ग रे ग म ग म प म प ध की जगह ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध, है ना। और फिर अवरोह भी ऐसे ही ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म सारे ग, इससे थोड़ा गले में बल आता है, झटका आता है, कैसे, ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध। इसी से ये बड़े सरल अलंकार हैं लेकिन इसका रियाज बड़ा मुश्किल है, जब तानपुरे पर गाने भी जाओगे, हारमोनियम पे भी गाओगे, क्योंकि जंप बहुत लंबा जाता है इसमें, ग रे सा म, सा से सीधा म लगाना पड़ता है, ग रे सा म ग रे प, है ना, बीच में दो दो तीन तीन सुरों का गैप आ जाता है। इससे पहले आप वो अलंकार करके देख लेना जो स्वरांगिनी के दूसरे पेज का है, सा ग रे म ग प म ध, एक एक सुर छोड़ा जा रहा है, फिर सा म रे प ग ध, फिर सा प रे ध ग नि म सा, फिर सा प रे ध, तो ये पूरा पूरा सा तक जाता है कि ये, फिर गहरे सा में करोगे तो तो अपने आप ये है कि ये जो झटका जो मैंने अभी दिया, गमक जो दी, वो आ जाती है इससे, क्योंकि आपको जंप मारना है तो झटके से मारना पड़ेगा ताकि बराबर वहां पहुंचे, तो इससे वो झटका आ जाता है और इसी से गमक भी आ जाती है। मेरे तो ऐसी आई, आप करके देखो, शायद आपके भी आ जाए। फिर ये धीरे धीरे अलंकार बड़ा भी होता है, सारे गमक की बजाय मगर ऐसा
कर दो, म ग रे सा प म ग रे धा प म ग नी धा प म सा नी धा प प ध नी सा म प ध नी ग म प ध रे ग म प सा रे ग म। फिर पांचवे का उल्टा कर दो, सा रे ग म प की जगह प म ग रे सा धा प म ग रे नी धा प म ग सा नी धा प म। और इन्हीं को जब आकार में गाते हो तो इस तरह से झटके आ जाते हैं। और भी कई हैं जैसे सा रे रे सा रे ग ग रे। आप देख रहे हैं अवरोहात्मक जब आते हो तो गमक झटका जो है आसानी से पड़ता है बनिस्बत के आरोह में, क्योंकि अवरोह में आने के लिए आपको ऐसे पकड़ के लाना पड़ता है सुर को। भाई स्वाभाविक है ना, कोई आपके सामने खड़ा है और उसको ऐसे करके जाओगे तो दम ज्यादा लगेगा, है कि नहीं, उसको पकड़ के खींच के लाने में। तो ये वही वाला मामला है कि जो अवरोहात्मक जब स्वर आता है तो उसमें दम और झटका लगने की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो अपने आप गले में वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आकार के रियाज पे ये बहुत सी चीज़ें थी। कुछ पलटे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनका अभ्यास करें, लेकिन तरीका ये वाला रखिएगा, क्योंकि पलटे कैसे ही हों कैसे न हों उनका असर उनके ढंग से होता है, है ना। अच्छे से अच्छा पलटा आप गा सकते हैं, लेकिन बेढंगी से गा रहे हैं तो ना सुर बैठेगा, ना उसका झटका आएगा गले में, ना गमक आएगी, ना मीड आएगी। ठीक है, तो वो ढंग वो तरीका जो है वो मैंने शायद बताने की कोशिश करी। और भी मैंने जिक्र किया है खटकों पे मुर्गियों पे, वो वीडियोस भी देखेंगे तो वो भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे जाइए, जो ऐड हमारे वीडियोस में आप देखते हैं गानों का आता है उन गानों को जाके सुनिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग। और अगर आप लोग उन गानों को सुनेंगे तो एक चैनल पे हमारा ऑडियंस बेस बनेगा, और तो हम अपने विद्यार्थियों को भी वहीं पे चांस देते हैं, तो उन लोगों के लिए यानी कि आप ही लोगों के लिए बड़ी सहूलियत की बात है। अगर आप लोग हमारी जनता बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आप ही लोगों की जनता बढ़ रही है, क्योंकि हम हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो स्टूडियो है, हम अपने ही विद्यार्थियों से गवाते हैं, क्योंकि हर एक कलाकार को सीखने के बाद एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म बनाने में आप ही लोग अपनी ही सहायता कीजिए, हम लोग एक जरिया बनेंगे आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और क्या नया चाहिए ताकि मैं उस पर काम करूं। शुक्रिया।